हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लेबर। तो लेबर की थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने मटेरियल चैप्टर की थ्योरी कर ली है, मटेरियल चैप्टर के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप करा दिए हैं। अब मैं आपको लेबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे हम पूरा कोर्स कम्प्लीट करेंगे और पूरा कोर्स की थ्योरी मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर है लेबर, और लेबर में हमें क्या पढ़ना है। लेबर चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। अब कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट के बारे में क्या कहता है, एक बार जल्दी से देखेंगे। कहता है लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द वर्कर। कहता है लेबर कॉस्ट क्या है। लेबर कॉस्ट वो अमाउंट है जो आप वर्कर को देते हो एज अ वेजेस। लेबर कॉस्ट वो अमाउंट है जो आप वर्कर को देते हो एज अ वेजेस। आप वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखिए, आपको बेटर अच्छा लगेगा। एंड अदर एक्सपेंस रिलेटेड देयर टू। कहता है अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो जो अमाउंट ऑफ वेजेस आप वर्कर को पे कर रहे हो और उससे रिलेटेड के सारे खर्चे, जैसे कि बोनस, प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे खर्चे है ना, ये सारे खर्चे जो लेबर को दे रहे हो आप, बोनस है ना, ग्रेजुटी, दैट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी वर्कर इज नोन एज लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ वेजेस है जो आप वर्कर को पे करते हो और उससे रिलेटेड ये खर्चे, जैसे कि बोनस, ग्रेजुटी, पीएफ का अमाउंट, ओवरटाइम का अमाउंट। इट इंक्लूड आर्ली पीस रेट पेबल टू द वर्कर। आप लेबर को आर्ली बेसिस पर भी पे कर सकते हैं, पीस के बेसिस पर पे कर सकते हो, जितने पीस बनाएगा उस बेसिस पर आप पेमेंट कर सकते हो। इट मे बी एक्सरसाइज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स, हाई आइडल टाइम। देखो आर्ली बेसिस पर, पीस रेट बेसिस पर कब करते हैं। अब मान लो लेबर क्या है, आके बैठ जाता है, घंटे पूरे हो जाते हैं उसके, एक घंटे में एक यूनिट बना रहा है। अब हम उसको घंटे के पैसे दे रहे हैं, अगर हम उसको पीस के पैसे दे, हम कह रहे हैं कि एक घंटे के तुझे मिलेंगे 500 रुपए और एक पीस बनाने के तुझे मिलेंगे 50 रुपए। अब वो एक घंटे में अगर 50 एक पीस बनाएगा तो उसको 500 देना पड़ रहा था पहले, आर्ली टाइम वेस्ट कर रहा है, आइडल। कहीं सुपीरियर अगर नहीं है तो लेबर आराम से बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। तो पीस रेट रखा जानबूझकर कि जो हमारे पास आइडल टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था, हमारे जो लेबर है वो इनइफिशियंसी हो गई थी उनके अंदर, ओवर टाइम पेमेंट करवाना पड़ रहा था काम करने के लिए, क्योंकि अपने एक्चुअल टाइम पे वो काम नहीं कर रहे थे। तो पीस रेट बेसिस सिस्टम लेकर आए जिससे ये चीजें खत्म हो। अब तू एक घंटा बैठ, तू एक यूनिट बना या कुछ यूनिट बना, हम तो तेको एक पीस के 50 रुपए देंगे। पहले घंटे के 500 मिलते थे, अब एक पीस के, तो एक घंटे में एक यूनिट बना, 50 ही मिलेंगे, ले कर ले। स्पॉइलेज इंक्रीज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में डिफेक्शन ला रहे हैं, सुपरविजन का लैक है, इंस्पेक्शन हाई, लेबर टर्नओवर रेशियो आ रहा है, अदर मैटर्स। देयरफॉर इट इज क्लियरली सीन दैट द कंट्रोल लेबर कॉस्ट एसेंशियल इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहा कि लेबर कॉस्ट में कंट्रोल लाने का मतलब क्या है, कि हमारे लेबर जो है वो हाई मात्रा में आइडल टाइम रहता है, स्पॉइलेज कर रहे हैं, वेस्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अलाइज हुई, डिफेक्टिव लेकर आ रहे हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है, सुपरविजन लैक कर रहा है, इंस्पेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे, हाई लेबर टर्नओवर है ना, ज्यादा ज्यादा आइडल टाइम हो रहा है। तो ऐसे में लेबर को कंट्रोल करना होगा, ऐसे में लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। तो हमें लेबर कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट की बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें पता चला कि ज्यादा इनइफिशियंट वर्कर हो रहे हैं, मतलब वर्कर ढंग से काम नहीं कर पा रहे, हाई आइडल टाइम है, ओवर टाइम कराना पड़ रहा है बेमतलब का, वेस्टेज और स्पॉइलेज एंड वेस्टेज हो रही है, प्रोडक्शन में डिफेक्टिव हो रहा है, सुपरविजन लैक कर रहा है, इंस्पेक्शन नहीं हो रहा ठीक से, हाई टर्नओवर है। तो इसलिए हमें क्लियर हुआ, देयरफॉर इट इज क्लियर सीन दैट द कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट इज एसेंशियल इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव द लेबर। अब लेबर को हम कहेंगे कि भाई जिसने टारगेट पूरा नहीं करा उसको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर लेबर अब बहुत अच्छे से काम करेंगे और पीस रेट के हिसाब से हम पैसे देंगे, जितने बनाओगे उतने मिलेंगे, घंटे के हिसाब से नहीं, तुम टाइम वेस्ट करते हो। तो हमें लेबर की कॉस्ट में कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट में कंट्रोल नहीं आया तो प्रोडक्शन का ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लेबर कॉस्ट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
तो यहां पर लिखा है कि इट क्लियरली सीन दैट द कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट इज एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू इंप्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर पहले एक घंटे में 10 यूनिट बनाते थे, अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें तो लेबर अब एक घंटे में 15 बना रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी अच्छी हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कुछ फॉलोइंग डिपार्टमेंट है जो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल में, जैसे कि ये डिपार्टमेंट के नाम लिखा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंजीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, और आपके पास आ गया लास्ट में पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये सब चीजें। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट है जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने में, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में वाइटल रोल प्ले करते हैं ये 5 डिपार्टमेंट। पहले डिपार्टमेंट का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मींस एचआर डिपार्टमेंट। अब ये क्या कहता है, इसका सुनो, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट डिस्चार्ज ट्रांसफर प्रमोशन क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर वेजेस इंसेंटिव स्कीम सिस्टम एक्सेट्रा। अब एचआर डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो पॉलिसीज बनाए रिलेटेड टू लेबर वर्कर रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे किस चीज से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि आप अब लेबर को कैसे अपॉइंट करेंगे, डिस्चार्ज कैसे होंगे लेबर को ट्रांसफर कैसे किया जाए, प्रमोशन कैसे करे जाए, लेबर को किस तरीके से क्लासीफाई करें, लेबर की वेजेस कैसे डिसाइड होगी, इंसेंटिव सिस्टम कैसे डिसाइड होगा, ये सारी पॉलिसी बनाएंगे एचआर डिपार्टमेंट वाले लोग। तो एचआर डिपार्टमेंट वाले लोगों का काम होता है अपॉइंटमेंट करना, डिस्चार्ज करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना कि कब किसी लेबर का प्रमोशन होगा एंड कितनी वेजेस देगी, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, कौन से लेबर कहाँ काम करेगा, एंड इसके बाद आपके पास इंसेंटिव सिस्टम कैसे रहने वाला है, विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक बार पॉलिसी बनने के बाद वो पॉलिसी कौन देखता है, वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी देखती है कि हाँ इस पॉलिसी को अब इंप्लीमेंट कर दिया जाए। पॉलिसी बनाने का काम तो एचआर डिपार्टमेंट का होता है, पर पॉलिसी में हाँ ये पॉलिसी आज से लागू की जाएगी, ये वाली पॉलिसी डायरेक्टर साइन करेंगे अपने और उसके बाद ये पॉलिसी लागू करेगी जो पॉलिसी बनाई गई है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, लेबर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, डिस्चार्ज से रिलेटेड लेबर की, प्रमोशन से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड और कॉस्ट ऑफ क्लासिफाई से रिलेटेड, लेबर कैसे क्लासिफाई करा। इट नॉर्मली मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस, एचआर डिपार्टमेंट का काम और क्या है कि वो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस लगाते हैं, लीव रिकॉर्ड रखते हैं, किसने ओवर टाइम करा वो, शिफ्ट रिकॉर्ड रखते हैं, फ्रॉम विच वेरियस कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अलाउंस ओवर टाइम इंसेंटिव आर मेड। अब भाई कोई लोग 30 दिन आना है, 25 दिन आ रहे हैं तो 5 दिन के कितने सैलरी कटेगी, ये काम भी एचआर डिपार्टमेंट का है। और कौन कौन सा पर्सन 30 दिन पूरे आया और बल्कि उसने ओवर टाइम भी करा, इसकी कितनी वेजेस बनती है, इसका कितना इंसेंटिव बनता है, ये भी एचआर डिपार्टमेंट का है। तो एचआर डिपार्टमेंट काम सारा बता रहा है आपको। ये रिपोर्ट कंसर्निंग लेबर टर्नओवर, रिक्रूटमेंट, प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन, एब्सेंटिज्म, मतलब कितने दिन एब्सेंट हुए, एज वेल एज रिपोर्ट ऑन अ लेबर कॉस्ट, आइडल टाइम, वेरियस कॉस्ट रेशियो एक्सेट्रा, प्रिपेयर फॉर सबमिशन टू हायर अथॉरिटी फॉर द नेसेसरी एक्शन। कितना अपॉइंटमेंट हुआ, क्या लेबर टर्नओवर चल रहा है, क्या डिस्चार्ज हुए, कितने लेबर को निकाल दिया गया, कितने वेजेस दी गई, सभी डिटेल, प्रॉपर डिटेल बनाई जाएगी एचआर डिपार्टमेंट द्वारा और ये डिटेल रिपोर्ट भेजी जाएगी हायर अथॉरिटी को जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उनको जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो आगे लेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट काम बेसिकली क्या है वो बताया आपने, ठीक है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट हेल्प टू मेंटेन कंट्रोल ओवर वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्शन मेथड, जॉब परफॉर्मेंस बाय प्रिपेयरिंग प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब शेड्यूल फॉर प्रोडक्शन, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड इफिशियंट वर्किंग कंडीशन, इनिशिएटिंग सुपरविजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, मेकिंग मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सेटिंग पीस रेट। ये काम का बताए, इनका काम बेसिकली क्या है, आप इसको पढ़ोगे ऑटोमेटिकली, सिंपल चीजें लिखी है। ये डिपार्टमेंट का काम है मेंटेन कंट्रोल करना, वर्किंग कंडीशन में उसको मेंटेन रखना, कंट्रोल रखना वर्किंग कंडीशन में, प्रोडक्शन मेथड बताना, जॉब परफॉर्मेंस बताना कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, प्लान को प्रिपेयर करना, हर एक जॉब का स्पेसिफिकेशन बताना, शेड्यूल करना कौन सा काम कौन करेगा,
सेफ्टी के बारे में देखना, वर्किंग कंडीशन की इफिशियंसी के बारे में देखना, इनिशिएटिंग एंड सुपरविजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में देखना, क्या इनिशिएटिव लेते हो, सुपरविजन कौन क्या कर कैसे होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब चीज़ें इनका काम है इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये वाली थ्योरी हम पढ़ क्यों रहे, पेपर में तो आएगी नहीं, 100% है पेपर में नहीं आने वाली ये चीज़। ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि मान लो अगर पेपर में इससे रिलेटेड MCQ आ जाए तो आप उसको कर पाओ। अगला हमारा पॉइंट है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। अब इनका काम क्या होता है, दिस द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन का मतलब क्या होता है कार्य। द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मेनली टू कीप मेंटेन द टाइम फॉर विच ईच एंड एवरी वर्कर हैज वर्क इंक्लूडिंग द चेक इन एंड चेकआउट टाइम। आपने देखा होगा जब आप कभी भी आप किसी पर्सन ने आप में से किसी ने कंपनी में काम किया होगा तो अब चेक इन चेकआउट टाइम लिखना पड़ता है कंपनी की, कब आए कंपनी के अंदर आप एंटर हुए और कब आप वहां से जा रहे हो, इस बेसिस पर आपकी वेतन, आप लेट आए आपकी सैलरी कट जाएगी, जल्दी आए तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मेनली कीप, ये क्या करते हैं इनके डिपार्टमेंट में क्या मेंटेन करते हैं, मेंटेन द टाइम फॉर विच ईच एंड एवरी वर्कर हैज वर्क इंक्लूडिंग द चेक इन एंड चेकआउट टाइम। कितने वर्कर किस टाइम पर आए, कितना समय उसने एक दिन में काम किया और कब वो गया, इनका मेंटेन रिकॉर्ड रखना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। द रिकॉर्ड आर केप्ट सेपरेटली फॉर डिफरेंट शिफ्ट एंड इररेगुलर वर्किंग पीरियड लाइक ओवर टाइम। अब किस वर्कर ने ओवर टाइम करा तो ओवर टाइम का रिकॉर्ड अलग रखेगा, चेक इन चेकआउट टाइम का रजिस्टर अलग मेंटेन होगा, राइट। इसके बाद अगर कोई डिफरेंट शिफ्ट है तो पहली वाली शिफ्ट का रजिस्टर अलग मेंटेन करो, दूसरी वाली शिफ्ट का रजिस्टर अलग मेंटेन करा जाएगा। द रिकॉर्ड आर सच केप्ट द डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज भी रिकॉर्ड रख सकते हैं आप ये, कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड अलग रिकॉर्ड करो, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो लोग हैं उनका चेक इन चेकआउट उनका सारा टाइम रजिस्टर अलग मेंटेन करो, मार्केटिंग वालों का अलग मेंटेन करो, परचेज डिपार्टमेंट का अलग करो, तो सभी डिपार्टमेंट का अलग करो, या प्रोडक्ट वाइज आप बना सकते हैं रजिस्टर सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, प्रोसेस वाइज, बैच वाइज, जॉब वाइज, ऑपरेशन वाइज, एलोकेशन लेबर कॉस्ट इज पॉसिबल। मतलब जहां जहां पर लेबर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आप लेबर का चेक इन चेकआउट टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम डिफरेंस शिफ्ट का है, सबके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करो, डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हो, जॉब वाइज कर सकते हो, प्रोसेस वाइज कर सकते हो, ऑपरेशन वाइज कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज कर सकते हो। इनका काम सिर्फ यही है मेंटेन करना टाइम से रिलेटेड चीजों को, कि किस लेबर ने कितना टाइम ओवर टाइम करा, कौन कब आया, कौन कब गया, ये जैसे कि ये चीजें, अटेंडेंस का रिकॉर्ड करना। अच्छा, अटेंडेंस ये भी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले द एंटायर करेक्टनेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेरोल, इनका काम होगा कि कितना पैसा ओवर टाइम का कितना पैसा बनता है एज पर एचआर पॉलिसी के हिसाब से तुम्हारे को ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे, पेरोल हमारा, इंसेंटिव पेमेंट क्या होगा, एचआर पॉलिसी मतलब एचआर जो पॉलिसी बनाती है, एचआर का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है, कितने पैसे देने का काम निकालना है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का, तुम भैया इतने टाइम काम किया तो इतने टाइम तुम्हारा ओवर टाइम था इसका इतने पैसे बनता है, इतना टाइम तुम नॉर्मल काम करा इतना पैसे बनता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ पॉलिसी मेंटेन करना होता है, पेमेंट करने का काम, पेमेंट निकालना कि किसको कितने का पेमेंट करना है, इंसेंटिव की पेमेंट कितनी बन रही है, ओवर टाइम पेमेंट कितनी बन रही है, ओवरहेड एलोकेशन डिपेंड ऑन देयर रिकॉर्ड मेंटेन बाय दिस डिपार्टमेंट, और एलोकेशन ऑफ ओवरहेड भी इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम चेक इन टाइम, चेकआउट, और कितने घंटे ओवर टाइम करा, कितने घंटे नहीं आया, वो काम नहीं कर पाया, कब वो जल्दी निकला, कब वो लीव पे था, ये सारे डाटा रखना और इस पे कितना पैसा उनका बनता है ये कैलकुलेट करना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ आपको क्या कह रहा है, एंड सच द इंपॉर्टेंट ऑफ द फंक्शन रेंडर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसिस। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको, अटेंडेंस रिकॉर्ड, डिक्स मेथड, टाइम रिकॉर्डिंग, क्लॉक और क्लॉक कार्ड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये कह रहा है चेक इन चेकआउट टाइम का। तो आपको ये क्या बता रहा है, ये है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग चेक इन और चेकआउट टाइम, चार तरीके के मेथड अब यूज किए जाते थे, मतलब चार तरीके के मेथड यूज हुए हैं आज तक किसी भी वर्कर के आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले यूज करते थे अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या होता था, जब वर्कर गेट के अंदर आएगा किसी भी कंपनी के, मान लो आप कंपनी के अंदर गए तो कंपनी के फ्रंट पे ही जहाँ रिसेप्शन होता है वहाँ पर एक रजिस्टर लिखा होता है, तो आपको वहाँ पर लगाना पड़ता है कि कब आप आए, अपना नाम लिख दिया, कहाँ से आए हो, और आपने देखा होगा आज भी ये फॉलो होता है वहाँ पर अटेंडेंस में, अपना नाम लिख दिया और मैं इतने बजे आया था, और जब आप जाओगे तो चेकआउट करके वहाँ पर लिख दोगे कि इतने बजे गया,
अटेंडेंस रिकॉर्ड ये होता है। तो ये बेसिकली मेथड है, ये चार तरीके के मेथड यूज किए गए हैं किसी भी वर्कर का लेबर का चेक इन और चेकआउट टाइम निकालने के लिए। अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, वहां पर अब जब भी पर्सन आएगा अपना अटेंडेंस लगाएगा कि मैं इतने बजे आया और इतने बजे में गया, ये होगा। अगला मेथड है डिक्स मेथड। डिक्स मेथड में क्या होता है, बेसिकली आपको एक जगह पर डिक्स होगी। अब डिक्स क्या होगा, डिक्स में आप एक डिक्स उठाओगे, डिक्स होती है जैसे डिक्स उठाया और जब आप फैक्ट्री के गेट पे पहुंचोगे डिक्स को फैक्ट्री के गेट तक ले जाओ या कंपनी के गेट तक ले जाओ, वहां पर एक बॉक्स होगा कंपनी के रिसेप्शन में, वहां डाल दोगे। मतलब आपकी वाली डिक्स होगी, वहां उठा के वहां डाल दिया, तो आप आए और वहां से लेकर वापसी डाल दिया, आप गए। डिक्स मेथड में क्या होता है, एक डिक्स होती है जो आप एक जगह से लेकर फैक्ट्री के कंपनी के गेट तक आकर बॉक्स होगा उस बॉक्स में डाल दोगे, आपके नाम वाले डिस्क में डाल दोगे, आपका नाम होगा वहां पर सेट होगा, वहां डाल दोगे, वो आपका नाम पे एंटर कर देगा कि हाँ आप आ चुके हो, इतने बजे आए थे। डिस्क मेथड अजीब ही मेथड है, मैंने तो देखा नहीं आज तक, ये तो मैंने देखा है, ये वाला भी देखा है मैंने। इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड आपका एक कार्ड होगा कंपनी का, वो कार्ड होगा आपको इसमें लगाना पड़ेगा, एक डिस्प्ले जैसा बना होगा वहां टच करना होगा, जैसे आप मेट्रो के कार्ड देखते हो ना डिस्प्ले में टच कर दो गेट खुल जाता है, ऐसे सिमिलरली एक कार्ड होता है, आप ऐसे देखोगे टच करोगे आपका टाइम रिकॉर्ड करेगा आप इतने बजे आए थे, और जब आप जाओगे फिर टच करोगे आप इतने बजे गए, गेट खुल जाएगा। और लास्ट में बायोमेट्रिक, तो आपको पता है अब हम वाला आ गया है हर फैक्ट्री हर कंपनी के अंदर अब यही चला बायोमेट्रिक, ये नए जमाने का है, ये नए जमाने का है, जैसे जैसे वो चेंज हो गया नए जमाने का क्या है, जाओ अपना थंब लगाओ, आपका नाम और आ जाएगा इतने बजे एंट्री हुई और वापसी आओगे थंब लगा दो, सिंपल है। तो ये मेथड है चेक इन चेकआउट टाइम निकालने का। अगला पॉइंट हमारा है पेरोल डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, पैसे देना। दिस डिपार्टमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल एंड आल्सो बेसिकली टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन डिपार्टमेंट वेजेस पेड टू प्रिपेयर कैच मैन अर्निंग टू एलोकेट दीज अर्निंग टू द वेरियस कॉस्ट सेंटर टू समराइज द वेरियस डिडक्शन एंड एम्प्लॉय शेयर प्रोविडेंट फंड शेयर इंश्योरेंस। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने तो बताया कितने घंटे कितने काम करे, अब ये पेरोल वाले डिपार्टमेंट क्या करेंगे, टाइम कीपिंग के पास जाएंगे। कहीं कहीं क्या होता है, टाइम कीपिंग वाले डिपार्टमेंट को भी दे दिया जाता है कि भाई आप ही कैलकुलेट कर दो एक वर्कर की अर्निंग कितनी हुई, वेजेस कितनी बनती है। बेसिकली जिसके डिपार्टमेंट में पेरोल डिपार्टमेंट है वो इन पेरोल डिपार्टमेंट का बेसिक काम क्या होगा, इनका काम ही यही होगा, ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहां जाकर उनसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर वर्कर है, लिस्ट देंगे वर्कर के, इनकी लिस्ट बता दो कब ये आए थे कब ये गए थे कब इन्होंने ओवर टाइम करा कितने दिन इन छुट्टी मारी सब कुछ आप हमें दे दो। तो पेरोल डिपार्टमेंट पहले टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहां से डाटा ले लेगा वर्कर का, कब आया किस दिन कब आया किस दिन कब गया कब इसने छुट्टी मारी कब इन्हें हाफ डे लिया कब इसने ओवर टाइम करा ये सब चीज़ें। फिर ये आपकी वेजेस कैलकुलेट करेगा भाई टोटल इतनी वेजेस बन रही है, अब इसमें से पीएफ का पैसा निकालेगा, ईएसआई का पैसा निकालेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा निकालेगा, ईएसआई का, अगर कोई और पैसा काटना है वो डालेगा काट लेगा, तो जो पैसा इसका कट करना है तो नेट इसको वेजेस पकड़ा देगा कि भाई इतनी वेजेस बन रही है इस वर्कर की। बेसिकली इनका काम क्या है कि अर्निंग कैलकुलेट करना किसी भी वर्कर की और उस अर्निंग में से प्रोविडेंट फंड का हिस्सा काट लेना, स्टेट इंश्योरेंस का हिस्सा काट लेना, अगर कोई और आइटम में काटना है वो काट लेना, और बाकी एक समराइज फॉर्मेट में कितना ओवरटाइम का पैसा मिला कितना इंसेंटिव हम तुम्हें दे रहे हैं वो सब जोड़कर वेजेस की अर्निंग वर्कर की अर्निंग निकाल लेना, इतनी अर्निंग नेट बनती है। टोटल इतना बन रहा था, इसमें से पीएफ का पैसा काट लिया जो कंपनी पीएफ काटती है, ईएसआई का पैसा काट लिया जो कंपनी इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा काटती है, ईएसआई का मेडिकल बेनिफिट होता है ये, और उसके पास जो पैसा बच जाएगा ये बनता है पेरोल डिपार्टमेंट काम निकालना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम का, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेटिंग एंड कॉम्प्लिकेटिंग ऑल कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ लेबर। कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट का हमारा काम क्या होता है यार, हमारा काम है कि भाई किस हम पेरोल वाले के पास जाएंगे, पेरोल वाले से कहेंगे कि भाई वो बताना इस लेबर की कितनी पेमेंट करी आपने वेजेस की, तो सभी लेबर का जितनी जितनी पेमेंट करी होगी वो पेरोल डिपार्टमेंट के पास होगा, क्योंकि जिस वर्कर को इतनी वेजेस है वो पेरोल के पास होगा। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग पेमेंट करने का काम किसका होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, पेरोल भेजेगा अपनी वो सारी लिस्ट किस वर्कर को कितने पैसे देना है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखिए कि अच्छा इसको इतने पैसे देना है सबको ट्रांसफर करेगी पैसे अपने अकाउंट में से, फाइनेंस डिपार्टमेंट काम होता है पैसे को ट्रांसफर करना, वो कितना पैसा ट्रांसफर करेगी ये पेरोल डिपार्टमेंट बताएगा, सब इंटरलिंक है। पेरोल डिपार्टमेंट कैसे बताएगा कितने पैसा बन रहा है इस वर्कर का, वो टाइम कीपिंग के पास जाएंगे वहां पूछेंगे कितने वर्कर ने कितना टाइम काम करा और क्या हो, वहां से लिस्ट लाएंगे, वो वेजेस कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पेमेंट करेगा वेजेस की,
कितना पैसा वेजेस पे हो गया है, अब पेरोल डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी वो सीट देगा कि इस वर्कर को इतना पैसा दिया जा रहा है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उस टोटल लेबर कॉस्ट को एज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मानते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है ना लेबर, उसको रिकॉर्ड करके कॉस्ट शीट में डाल देगा, खत्म। ये है टोटल वर्क। अ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल एक्युमुलेटिंग एंड कंप्लीटिंग ऑल कॉस्ट रिलेटेड डाटा रिलेटेड टू द लेबर। इट एनालाइज द पेरोल कॉस्ट टू इफेक्टिव रेंडर रूटीन एंड स्पेशल लेबर कॉस्ट रिपोर्ट, देयरफॉर डिस्क्लोजर द अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल आइटम टाइम। अब यहां से कैलकुलेट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम। हमारा काम क्या होता है, लेबर से जो भी हमने लेबर कॉस्टिंग करी अभी तक इस चैप्टर के अंदर, जो भी हमने लेबर में चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, बोनस कैसे दिया जाएगा उसकी कैलकुलेशन सीखी हमने, ठीक है ना, कितना वेजेस बनता है, जब आपने इसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था लेबर का तो उसमें आपने यही करा था कि कितनी लेबर कॉस्ट बन रही है वो सब कैलकुलेशन करना, आइडल टाइम कितना है, एबनॉर्मल वाला कितना है, नॉर्मल वाला कितना है, ये सब चीजें काम किसका होगा। और दीज रिपोर्ट आर यूज बाय द टॉप मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली कंट्रोल द लेबर कॉस्ट, आल्सो इंप्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और इनका काम क्या होता है, भाई हमने सोचा था कि लेबर कॉस्ट इतनी आएगी स्टैंडर्ड और एक्चुअल में इतना है, तो वेरियंस भी कैलकुलेट करना, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट वाले, मतलब हम लोग, है ना। तो दीज रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट ये बनाकर तैयार करेगा वो टॉप अथॉरिटी को दे देगा और वो फिर डिसीजन ले पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे लेबर कॉस्ट को और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे उस हिसाब। ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ, कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, पहला पॉइंट था ये। अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या नाम था, कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। टोटल सेल कितने हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद एक एक करके बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ है, बड़ा बड़ा था। टाइम बुकिंग क्या होता है, वर्क स्टडी क्या होता है, मेथड स्टडी क्या होता है, वर्क मैनेजमेंट मेजरमेंट क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, मेरिट रेटिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन मेरिट रेटिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, दोनों डिफरेंस है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी मैंने उसमें क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि मैं अलग से बताने वाला हूं आपको, मुझे पता है पहले में ही आ गया था टाइम स्टडी मोशन स्टडी का नाम। एबनॉर्मल आइडल टाइम, आइडल टाइम, लेबर टर्नओवर क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना छोटा होता है। देखिए इसके एमसीक्यू क्या है, जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, जनरल नॉलेज मतलब अगर आपने लेबर चैप्टर पढ़ा है तो उसके एमसीक्यू इस बेस पे काम हो जाएंगे। अब देखो कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, अब थ्योरी जितनी कवर करनी थी मैंने कर ली, अब ये तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा पूरा का पूरा उसके क्वेश्चन करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि कौन से पे क्या है, ठीक है ना। आइए पहले थ्योरी को देख लेते हैं एक बार। टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग क्या है इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। अब देखिए टाइम कीपिंग, टाइम बुक कीपिंग का क्या मतलब है बेसिकली, ऊपर कैसे हो गए नीचे देखो, बड़ा ही सिंपल है। टाइम बुक कीपिंग आपको क्या बताएगा, टाइम बुक कीपिंग एक मेथड है जो आपको क्या बताता है, देखिए एक बार देखो, एक वर्कर सुबह आता है दोस्तों, एक वर्कर सुबह आता है 8 बजे, ठीक है, ये इसका चेक इन टाइम है, दिन में ये 1 बजे से लेकर 2 PM तक करता है लंच, इस पर्टिकुलर में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, नो प्रोडक्शन, सुबह के टाइम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये बीता है टी टाइम, टी मतलब चाय बीता है, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक फिर से एक चाय चाहिए, 2 टाइम चाय तो मिलती है ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर 6 बजे शाम के 6 बजे ये अपना चेकआउट कर लेता है,
अब यहां पर दो चीज है कि जब इसने टाइम, जब इसने चाय पी होगी, खाना खाया होगा, फिर चाय पी होगी, इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसने 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना टाइम बिताया पूरे ऑफिस के अंदर, पूरे फैक्ट्री के अंदर इस वर्कर ने कितना टाइम बिताया। ये एक वर्कर है दोस्तों, बड़ा खुश है। इस वर्कर ने कितना टाइम बिताया, 8 बजे का आता है और 6 बजे चले जाता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 10 घंटे इसने बिताए। तो इसने टोटल टाइम स्पेंड करा इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर टोटल कितना टाइम स्पेंड करा इसने, 10 आवर। तो क्या मैं बता सकता हूं कि क्या मैं एक ऐसा कह सकता हूं कि 10 घंटे इसका प्रोडक्टिव आर है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 10 घंटे इसने बिताए तो 10 घंटे प्रोडक्टिव आर होंगे। अगर मैं इसमें से 2 घंटे आइडल टाइम हटा दूं तो मैं ये कहूंगा कि इसका 8 घंटे का प्रोडक्टिव आर है। हाँ सर, ये आप कह सकते हो कि 8 घंटे का प्रोडक्टिव आर है। अब बात सुनना, पर ये समझ में आया आपको कि टोटल उसने 10 घंटे स्पेंड करे हैं फैक्ट्री के अंदर और उसमें से 2 घंटे हमारा आइडल टाइम था, 2 घंटे उसने काम नहीं करा, तो 8 घंटे प्रोडक्टिव आ रहे। अब टाइम बुकिंग क्या कहता है, टाइम बुकिंग। अब देखिए हमारे पास दो चीज थे, एक है टाइम कीपिंग, एक क्या है टाइम कीपिंग, एक है टाइम कीपिंग, देख रहे हो आप टाइम कीपिंग कहां पढ़ा था हमने, टाइम कीपिंग टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट पढ़ा था। सुनो आप ध्यान से, टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट हमें क्या बताएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, अभी मैंने दिखाया आपको, सबसे पहले हमने पढ़ा था। टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इधर आओ। टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, वो हमें बताता है कि एक वर्कर कब आया फैक्ट्री के अंदर, एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर कब आया और वो कब गया, और उसने कितना टाइम स्पेंड करा फैक्ट्री के अंदर। हमने कहा 10 घंटे स्पेंड करा। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि एक वर्कर ने उस एक दिन में कितने घंटे स्पेंड किए, कितना टाइम उसने लगाया, उस 10 घंटे में उसने कितना प्रोडक्टिव और कितना नॉन प्रोडक्टिव था, वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं बताता। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं बताएगा दोस्तों आपको कि उस 10 घंटे में कितना काम उसका प्रोडक्टिव था और कितना नॉन प्रोडक्टिव। हमने कहा कि सर 10 घंटे में 2 घंटे अनप्रोडक्टिव था, खाली बैठा रहा, 8 ही घंटे उसने काम करा, तो ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं बताता था। ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं बताता था कि एक वर्कर, ये क्या बताएगा, एक वर्कर 8 बजे आया और सर 6 बजे तक रुका, एक वर्कर 8 बजे 6 बजे, तो उसने टोटल 10 घंटे फैक्ट्री के अंदर बिताया, इस 10 घंटे में क्या किया, ये नहीं बताता ये डिपार्टमेंट। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यार वो 10 घंटे, अगर एक वर्कर 10 घंटे बिता रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि उस 10 घंटे में वो कर क्या रहा है। हमने ये जानने के लिए बहुत जरूरी है, इसके हमें नीड हुई, इस 10 घंटे का एनालिसिस बताओ भाई, उस 10 घंटे में उसने जो फैक्ट्री में स्पेंड करा, कि उस 10 घंटे में करा क्या उसने, तो अब ये कैसे जाना जाए, इसलिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करा गया, एक मेथड बनाया टाइम बुकिंग। क्या बनाया, एक मेथड का नाम दिया टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग मेथड क्या बताएगा आपको कि इस 10 घंटे में उसने कितना प्रोडक्टिव काम करा और कितना नहीं। तो टाइम बुकिंग कहेगा कि इस 10 घंटे में 2 घंटे तो आइडल टाइम रहे और 8 घंटे प्रोडक्टिव रहे। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आपको क्या बताता है कि एक वर्कर उस 10 घंटे में काम करा उसने फैक्ट्री के अंदर, एक वर्कर ने एक दिन में 10 घंटे स्पेंड करे फैक्ट्री में, उस 10 घंटे में क्या किया ये नहीं बताएगा। इसके लिए हमें इसकी जरूरत है कि हमें बताओ उस वर्कर ने 10 घंटे में क्या किया, इसलिए एक नया मेथड लेकर आया टाइम बुकिंग मेथड, और वो आपको बताएगा उस 10 घंटे में क्या किया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं टाइम बुकिंग मेथड। इसका कुछ डिसएडवांटेज था, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का कुछ डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट कभी भी ये नहीं बताएगा आपको कि उस 10 घंटे में क्या क्या करा उसने, बट टाइम बुकिंग आपको ये बताएगा कि उस 10 घंटे में कितना टाइम प्रोडक्टिव कितना आइडल। पढ़ो जरा, इन टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट पहले वाला, वी हैव सीन दैट, हमने टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट देखा कि टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कौन कितने बजे आया, टाइम कितने बजे वो आता है और कितने बजे वो जाता है।
टाइम कीपिंग का एम बस इतना है कि वो चेक करेगा कि कितने नंबर्स ऑफ आर एक वर्कर ने स्पेंड करे फैक्ट्री के अंदर। हमने कहा 10 घंटे स्पेंड करे, 8 बजे आया था 6 बजे चले गया। हाउएवर इट डज नॉट रिकॉर्ड द प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द वर्कर, इट मीन द टाइम कीपिंग मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट डू नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ द वर्कर टाइम हाउ द टाइम इज स्पेंड बाय द वर्कर इन अ फैक्ट्री। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बताएगा कि एक वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड करा फैक्ट्री के अंदर। इसलिए दोस्तों इसकी जरूरत हमें महसूस हुई, हमने जैसे कि एग्जांपल लिया कि एक टाइम कीपिंग रिकॉर्ड आपको क्या बताएगा। एग्जांपल में क्या लिखा, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड विल सो दैट द वर्कर रिपोर्टेड ड्यूटी 8 बजे आया था वो, ये बताएगा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, 6 बजे चले गया, इसने 10 घंटे स्पेंड करे कंपनी के अंदर, ये बताएगा। बट ये कौन बताएगा, बट द एनालिसिस ऑफ दिस 10 आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। इन अ व्यू ऑफ देयर इज नीडेड टू हैव अ सिस्टम, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें ये भी बताए कि 10 घंटे जब एक लेबर वर्कर स्पेंड कर रहा है तो उस घंटे 10 घंटे में वो कर क्या रहा है। इसलिए जो सिस्टम हमें ये बातें बताएगा, ऐसा सिस्टम जो हमें ये बताएगा कि एक लेबर 10 घंटे स्पेंड कर रहा है तो उसमें क्या क्या कर रहा है, कितना प्रोडक्टिव है और कितना अनप्रोडक्टिव, ऐसे सिस्टम को टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, बुकिंग मेथड कहते हैं। कहता है दिस द मेथड विच सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, उस 10 घंटे में क्या क्या किया, इज नोन एज टाइम बुकिंग मेथड, इज नोन एज टाइम बुकिंग मेथड। उसको क्या बोलेंगे सर, टाइम बुकिंग मेथड कहेंगे। एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन ईच जॉब इज प्रोसेस ऑपरेशन इज नोन एज टाइम बुकिंग। किस जॉब में कितना काम किया उसको रिकॉर्ड कर लो। मान लो एक वर्कर है 5 जॉब में काम करता है, 5 जगह, 2-2 घंटे सब में काम करे, 4 जगह काम करता है, 2-2 घंटे सब में काम करे, 8 घंटे हो गए, 2 घंटे का अपना आराम ले लिया उसने, तो 8 घंटे। सो सभी को टाइम रिकॉर्ड करना कि इस वाले जॉब 1 में 2 घंटे काम करे, जॉब 2 में 2 घंटे, इसको टाइम बुकिंग कहते हैं। और सबका एनालिसिस निकालना टाइम बुकिंग मेथड, दिस इज द टोटल पॉइंट समझ आ गया। तो टाइम बुकिंग मेथड और टाइम कीपिंग मेथड में फर्क पड़ गया। टाइम कीपिंग मेथड क्या कहता है आपको, सिर्फ ये बताएगा कब वो आया था, कब वो गया और उसने कितने घंटे स्पेंड करे। जबकि टाइम बुकिंग मेथड आपको क्या बताएगा कि वो 10 घंटे में उसने क्या क्या किया, कितना प्रोडक्टिव है और कितना अनप्रोडक्टिव है। नीचे आपको 5 मेथड दिए गए हैं, नीचे आपको 5 मेथड दिए गए हैं दोस्तों, जिसको हम टाइम बुकिंग मेथड कहते हैं। ये 5 मेथड क्या है, नीचे आपको 5 मेथड दिए गए हैं जिसको हम टाइम बुकिंग मेथड कहते हैं। एक तो डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब टिकट, लेबर कॉस्ट कार्ड, टाइम एंड जॉब कार्ड। ये 5 मेथड है टाइम बुकिंग मेथड के, टाइम बुकिंग मेथड के 5 तरीके हैं। 5 तरीके से आप 5 मेथड है, 5 तरीकों से आप बता सकते हैं कि इस वर्कर ने उस 10 घंटे में क्या क्या किया। 5 मेथड को एक बार हम मैं बताता हूँ आप, आइए। पहले का नाम है डेली टाइम शीट। डेली टाइम शीट में क्या होता है, यहाँ पर मान लो मेरी कंपनी के अंदर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, फॉर सपोज 20 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब 20 वर्कर को हर एक को एक पेपर शीट दी जाती है, हर एक को एक पेपर शीट दी जाती है, 20 वर्कर काम करते हैं, 20 के 20 को एक एक पेपर शीट मिलेगी। अब वो जब जब वर्कर काम करेगा उस शीट में लिखेगा, एक शीट मिल गई, कहेगा जॉब नंबर 1 में मैंने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करा, जॉब नंबर 2 में मैंने 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करा, जॉब नंबर 3 में मैंने इसमें से इतना काम करा। तो ये खुद लेबर लिखेगा, डेली बेसिस पे बनाएगा, इसलिए डेली टाइम शीट। और यही शीट जब वो वीकली बेसिस पे बनाता है तो वीकली टाइम शीट, समझ में आया नहीं आया। यही वो डेली बेसिस बनाएगा तो डेली टाइम शीट, और ये वीकली बेसिस बनाएगा तो वीकली टाइम शीट। अब जॉब टिकट क्या होता है, अगर आप स्टडी मैट में पढ़ो तो जॉब टिकट एक ऐसी टिकट है जो वर्करों को दी जाती है, और वर्कर को कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है इस टिकट के अंदर। इसमें क्या होता है, जॉब टिकट में क्या होता है दोस्तों, जॉब टिकट में क्या होता है, एक जॉब टिकट बनाई जाती है जिसको हर वर्कर को देती है, सारे वर्कर को दी जाती है, हर वर्कर का उसमें लिखा होता है जॉब, कि जॉब नंबर 1 में आपको काम करना है और 8 बजे से 10 बजे तक काम करना है। मान लो मैं एक वर्कर हूँ, मैं कंपनी में जाऊँगा तो सुपीरियर के पास जाऊँगा, बोलूँगा मुझे आज का काम दो और कितने घंटे काम करना है, वो एक टिकट पकड़ाएगा मुझे, उस टिकट में लिखा होगा कौन से वाले जॉब में काम करना है और कितने घंटे काम करना है, हर वर्कर जिसको बोलते हैं जॉब टिकट। लेबर कॉस्ट कार्ड क्या होता है, लेबर कॉस्ट कार्ड में क्या होता है कि एक कार्ड बनाया जाता है लेबरों के लिए, और उसमें यह लिखा जाता है
कि कौन सी जॉब आपको कितने समय में खत्म करनी है, कौन सी जॉब आपको कितने समय में खत्म करनी है। कार्ड होता बस यहां पर क्या होता है, इसमें फर्क जॉब टिकट और इसमें फर्क ये होता है, जॉब टिकट में आपको टिकट बनाने होते हैं और वो हर एक वर्कर को इंडिविजुअली देना होता है। बट लेबर कॉस्ट कार्ड में क्या होता है, एक लेबर कॉस्ट कार्ड बनाया जाता है जिसमें अगर 20 वर्कर है तो 20 वर्कर की जॉब की डिटेल और उसका टाइम लिखा होता है, ये फर्क होता है। यहां पर टिकट में सभी के लिए अलग अलग टिकट बनती है पर लेबर कॉस्ट कार्ड में एक ही कार्ड में सभी वर्कर का लिखा होता है। टाइम और जॉब कार्ड क्या होता है, एक ऐसा कार्ड होगा जहां पर आपको किस जॉब में काम करना है वो बताया जाएगा और उसका कितना काम करना है वो, मतलब एक ही कार्ड में आपको जॉब के बारे में भी और टाइम के बारे में दोनों बताया जाएगा। यही है कुछ बेसिक बातें। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो छोटे छोटे पॉइंट वर्क स्टडी है, मैथर स्टडी देख ले एक बार कितना हो जाएगा ये हमारे। चलिए दोस्तों ये वाला अभी जो हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर वो हमने पढ़ा लेबर कॉस्ट में हमने बड़े बड़े पॉइंट पढ़ लिए हैं सारे के सारे, टाइम बुकिंग मेथड। अगली क्लास में मुझे वर्क स्टडी कराना है, छोटा सा ही है, एक एक पॉइंट में खत्म होंगे, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, जॉब इवेल्यूएशन, एक एक छोटे छोटे पॉइंट है, मेरिट रेटिंग, इन दोनों में डिफरेंस। इसके अब ये देखो इतना सही है, सब छोटे छोटे ये देखो लाइन पे खत्म हो रहे हैं सब। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और जैसे कि मैंने कहा है एक चैप्टर को मैं 3 क्लास दूंगा और पहली क्लास में थ्योरी, दूसरी क्लास में थ्योरी एंड तीसरी क्लास में एमसीक्यू, खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा बट हमने लेबर कॉस्ट की एक छोटी 3-4 थ्योरी पढ़ी पर वो बड़ी बड़ी थी इसलिए टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। अगर छोटी छोटी होती जैसे कि जितना टाइम आज लगा ना उतना टाइम कल लग जाएगा पर नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में भी लेबर कॉस्ट ही करेंगे और लेबर कॉस्ट को मैं कल नेक्स्ट क्लास में थ्योरी खत्म कराकर उससे नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू कराकर खत्म हो जाएगा लेबर कॉस्टिंग वाला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर।